रामनवमी के अवसर पर सनराइज ग्रुप ने शहर में निकाली शोभा यात्रा। यह शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। खबरें हजारीबाग के लिए हमारे संवाददाता सोनू केसरी की रिपोर्ट। हम लोग भी हैं। चंटू ए पंकज भैया जरा से मोहित भैया मैडम।
पहले तो मैं बासंती नव दुर्गा रामनवमी और हिंदू नववर्ष के मैं हजारीबाग सहित झारखंड और संपूर्ण देशवासियों को आपके माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूँ। 30 तारीख को रामनवमी है और 31 तारीख को दशमी। आज जो सनराइज कल्प के द्वारा जो ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है, ये राम नवमी के शोभा यात्रा में श्रृंगार का काम कर रहा है। होली के बाद से जितने मंगलवार आते हैं उस समय जो अखाड़ा निकलता है अस्त्र शस्त्र और झाल मंजरी के साथ, इसमें श्रृंगार का काम करता है। और आज आप देख लीजिए, बहने खड़ी हैं, बहने त्रिशूल हाथ में लेके, लगता है कि साक्षात नव दुर्गा प्रकट हो गई है। नव दुर्गा प्रकट हो गई है। और आज इस भगवा ध्वज के नीचे संपूर्ण हिंदू समाज एकत्रित है, क्षेत्रीयता में जातीयता से हटकर हरिजन गिरिजन वनवासी शहरवासी नगरवासी ग्रामवासी सब एक झंडा के नीचे है। हमारा मानना है कि इस देश का धर्म सनातन, जो चीर पुरातन है, सनातन धर्म है, जो भारत का राष्ट्रीय धर्म है, और हमारा मानना है कि हिंदुत्व बचेगा तो हिंदू बचेगा और हिंदू बचेगा तो हिंदुस्तान बचेगा तो इसकी संस्कृति और सभ्यता बचेगी। आज मैं यहाँ खड़ा होकर ये कहने का साहस कर रहा हूँ, ये बहनों को साक्षी मानकर, हजारीबाग को साक्षी मानकर, कि सूरज अपनी गर्मी को त्याग सकता है, सूरज अपनी गर्मी को त्याग सकता है, चंद्रमा अपनी शीतलता को छोड़ सकता है, और गंगा जो हरिद्वार में बहती है पुनः हिमालय में समा सकती, लेकिन दुनिया की कोई ताकत आने वाले समय में भारत को इस गुरु के पद पर आने से नहीं रोक सकती। बहुत